कोर्सेनिक्स फॉर्मूला टैब में इससे पहले जो है फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फंक्शन जिसके नाम है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो है ये बहुत सिंपल फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, इसी में से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ये तो याद रखें कि ये फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं MS Excel में, हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं 70-75% तकरीबन जो है ये वाले फंक्शन हम यूज़ करते हैं। अगर आपने इसी फंक्शन को, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, अगर आपने उसको ठीक से याद कर लिया तो डेटाबेस फंक्शन भी तकरीबन सेम इसी तरह काम करता है। नेम इसका सेम है, काम इसका जाना कि क्या काम करता है, और नेम भी इसका याद कर लें। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने कुछ 12 फंक्शन का नेम लिखा है, तो आ जाते हैं और एक एक को करते कि कैसे काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे काउंट फंक्शन है, और काउंट फंक्शन का काम क्या है, काउंट फंक्शन का काम ये है कि ये काउंट करता है, हिसाब कर देता है किसी भी चीज़ को, लेट सपोज, मगर ये याद रखें कि टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, यहाँ पे काउंट फंक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ इक्वल, और मैं लिखता हूँ काउंट, और काउंट के बाद टैब बटन में प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन किया मैंने, और इसके बाद ये सारे नंबर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कह देता हूँ कि कितने नंबर्स है। तो देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कह रहा है कि 48, तो 48 नंबर्स है। तो नॉर्मली काउंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं नंबर को काउंट करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूँ तो टेक्स्ट कभी भी काउंट नहीं करेगा। वही यहाँ पे काउंट ए फंक्शन है, और काउंट ए फंक्शन जो है ये काउंट करता है टेक्स्ट को, और उसके साथ साथ नंबर को भी काउंट करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल, काउंट ए फंक्शन है, और नेम्स को मुझे काउंट करना है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने नेम्स लिख लिया और नेम को सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे 48 है। अगर मैं इसमें से कोई नेम्स डिलीट कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं 47, और मज़ीद जो है आप अगर डिलीशन करोगे तो काउंट करेगा ये। काउंट ब्लैंक एम्प्टी सेल को काउंट करता है। यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे कोई एम्प्टी सेल है नहीं, तो मुझे जीरो शो करेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लूँ तो आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे कुछ एम्प्टी सेल्स मौजूद है, तो चलो इसी को काउंट करते हैं कि इसमें टोटल कितने एम्प्टी सेल्स जो है वो मौजूद है। तो मैंने काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट किया, और इसके बाद ये फंक्शन मैं इसी रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन के बाद एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे डायरेक्टली आंसर देता है कि इसमें 8 सेल्स जो है वो एम्प्टी ही है। फिर इसके बाद जो है सम फंक्शन है, नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, समेशन के लिए यूज़ होता है, बहुत सारे जगहों पे मैंने यूज़ भी किया है ऑलरेडी। इक्वल सम, और सम के बाद एक रेंज को सेलेक्ट कर दे, जो भी रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर दे, और ये इसका एडिशन समेशन। एवरेज फाइंड करने के लिए एवरेज फंक्शन यूज़ होता है, लेट सपोज अगर मैं औसत को फाइंड करता हूँ तो इक्वल एवरेज, और एवरेज जो है यहाँ पे ये याद रखें कि ये वन नंबर जो है कह रहे कि इसको सिलेक्ट करें, अगर आप उसको सिलेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लेता है, तो मैं रेंज पूरा रेंज ही सिलेक्ट करता हूँ और आंसर मुझे डायरेक्टली दे देता है, ठीक है, इसको कहते हैं रेंज। फिर इसके बाद मैक्स फंक्शन है, और मैक्स फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, मैक्स फंक्शन ये इसीलिए यूज़ होता है अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा नंबर इस सैलरी में, सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, आप देख सकते हैं 18,050, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे छोटा नंबर अगर फाइंड करें तो मेन फंक्शन आप यूज़ कर दें इक्वल मेन, और इसके बाद रेंज सेलेक्ट कर दें, तो इसमें आपको आंसर जो है वो ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो है इस रेंज में ज़ीरो ही है। लार्ज और स्मॉल क्या काम करते हैं, देखिए अगर मिक्स और मिनिमम आपको पता चल गया हो तो लार्ज और स्मॉल जो है ये भी इसी तरह काम करते हैं। देखिए सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, अब आपकी मर्जी है, जिस पोजीशन पे भी आप चाहते हो बड़ा नंबर फाइंड करना तो आप फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे बड़ा नंबर फाइंड करना है तो लार्ज फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ इक्वल लार्ज। देखिए ये एरे मांग रहा है तो ये रहा एरे, और एरे के बाद कॉमा, कॉमा और कॉमा के बाद के कॉन्स्टेंट, जैसे मैं बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर पे, तो मुझे कह रहा है कि फिफ्थ नंबर पे 17,710 है, और इसी तरह स्मॉल, स्मॉल का काम करता है सेम इसी तरह है, मगर स्मॉल नंबर को फाइंड करता है इक्वल स्मॉल एरे, ये रहा एरे मैंने सेलेक्ट कर दिया, एरे के बाद कॉमा और कॉन्स्टेंट,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या है कि 11,200 जो है ये 12 नंबर पे स्मॉल सैलरी है, छोटा सैलरी है। फिर इसके बाद जो है सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ क्या काम करते हैं। नॉर्मली एज अ कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड में मैं मेल का जो सैलरी है इसको ऐड करना चाहता हूँ, या यहाँ पे पोस्ट है, डिफरेंट पोस्ट है, इंजीनियर है, ड्राइवर है, डॉक्टर है, अब मुझे ड्राइवर का सैलरी ऐड करना है, सिर्फ ड्राइवर का, ठीक है। या इसी तरह अगर पेशावर का सैलरी ऐड करना है, जितने भी पेशावर के लोग हैं उन सब का सैलरी ऐड करना है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सम इफ, ठीक है। कंडीशन के थ्रू जो है ये काम होता है। लेट्स सपोज इक्वल सम इफ, आप देख सकते हैं रेंज मांग रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करता हूँ पोस्ट वाला, तो ये पोस्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया, अब कंडीशन मांग रहा है इंजीनियर, मैं इंजीनियर सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा सम रेंज, तो समेशन हमेशा नंबर पे अप्लाई होता है, तो ये रहा इसका समेशन, यहाँ से मैं निकलवाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं क्या रहा है कि जितने भी इंजीनियर है उसका टोटल सैलरी 188,540 है। इसी तरह इसको काउंट करना है कि टोटल इंजीनियर कितने हैं, इक्वल काउंट एफ, और काउंट एफ के बाद रेंज मांग रहा है, तो ये रहा रेंज, और इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया, तो ये रहा क्राइटेरिया, और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली आंसर देता है कि 15 लोग हैं यहाँ पे। और एवरेज देखना है, अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूँ तो एवरेज आता है डायरेक्टली, मगर मैं ऐसे ही एवरेज भी फाइंड करना चाहता हूँ। अगर आपको सम एफ फंक्शन याद हो गया तो एवरेज एफ आसान है, तो आप सिर्फ सम के बजाय एवरेज एफ लिखे, ये रहा एवरेज एफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज, तो ये रहा रेंज, रेंज के बाद कॉमा, कॉमा के बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ क्राइटीरिया, और इसके बाद नेट सैलरी टोटल रेंज सेलेक्ट कर दे, तो आपको इंजीनियर का एवरेज जो है वो मालूम कर देता है। ये कह रहा है कि इंजीनियर का एवरेज जो है वो ये आता है। तो तकरीबन यहाँ पे 12 फंक्शन थे, और इतना मुश्किल नहीं थे, बहुत आसान फंक्शन है, इजी फंक्शन है, और बहुत यूज़ होते हैं, बहुत काम के फंक्शन है, तो इसी को ठीक से याद कर ले, इस पर प्रैक्टिस करें, और वीडियो इधर ही, कीप वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।